एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा बेटू ब्लॉग्स, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। तो फेस्टिवल्स चल रहे हैं दोस्तों, और मेरे चैनल पर बैक टू बैक फेस्टिव सीरीज चल रही है। तो पीछे मैं लास्ट वीडियो में लेकर आई थी गरबा लुक, तो आगे की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ सूट सेट, जो आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं पहले सूट सेट की। सो ये है बहुत ही प्यारे से मेहंदी ग्रीन कलर में थ्री पीस सूट सेट, जिसमें आपको बॉटम, कुर्ती बॉटम एंड दुपट्टा तीनों चीज़ मिलेंगी। सो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर देती हूँ। तो ये है रॉयलिका ब्रांड से। फैब्रिक की बात करें तो ये है मसलिन फैब्रिक का, और प्राइस इसकी मैं मेंशन कर दूंगी, जो भी कुछ है मुझे अभी याद नहीं है। सो बात करें अगर सूट के योग डिज़ाइन की, तो बहुत ही प्यारे से एम्ब्रॉयडरी वर्क इसमें किया गया है, वी डिज़ाइन बनाकर इसमें यहाँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर ऐसे यहाँ एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन सी इसकी एम्ब्रॉयडरी है, और बीच में इसका बहुत छोटा सा ऐसे सीक्वेंस और जरी वर्क दिया गया है। अगर स्लीव्स की बात करें तो 3/4 स्लीव्स हैं, और स्लीव्स में अगेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक ऐड किया गया है। ऑल ओवर सूट स्ट्रेट कुर्ती डिज़ाइन में है, और नीचे इसके दामन में भी बहुत प्यारा सा छोटा छोटा काम ऐसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर दिया गया है। ऑल ओवर कुर्ता सेट बहुत प्यारा लग रहा था, और आपको ट्राई ऑन में देखकर क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी पैंट की, तो बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक अगेन सेम है, बहुत ही कंफर्टेबल इसका है, मतलब पैंट इसका बहुत कंफर्टेबल है पहनने में। अगेन बॉर्डर में इसमें ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में छोटी छोटी बूटी ऐसे डिज़ाइन की गई है। बेल्ट की बात करें तो फ्रंट में बेल्ट है, और बैक में इसकी इलास्टिक है, और ये रहा पूरा लुक इसका पैंट। और अब है इसके दुपट्टे की बारी। दुपट्टा बहुत प्यारा है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और चारों साइड इसमें टेसल्स दी गई हैं, प्रिंटेड दुपट्टा है। बस दुपट्टे में सिर्फ एक ही कमी मुझे नज़र आई कि दुपट्टा स्टोल स्टाइल में दिया गया है, मुझे दुपट्टा थोड़ा सा छोटा लग रहा है, अदरवाइज तो सूट बहुत प्यारा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के सेकेंड कुर्ते की, जो है ये ऑरेंज कलर का कुर्ता सेट और विद पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में। सो ये भी थ्री पीस सेट है, इसमें आपको कुर्ता बॉटम एंड दुपट्टा तीनों मिलेंगे। अगर इसके डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये कुछ जेनरिक ब्रांड से है, और फैब्रिक इसका प्योर कॉटन लिखा हुआ है, पर ये प्योर कॉटन में है नहीं, कुछ मिक्स ब्लेंड वाला मुझे फैब्रिक इसका लगा। और अगर बात करूँ इसकी साइज़ की, तो इसमें मीडियम साइज़ है मेरा, ये मुझे थोड़ा लूज भी आ रहा है। अब अगर बात करूँ तो ये कैटलॉग में देख के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ही प्रिटी लग रहा था, मुझे लगा था कि अच्छा खासा सूट आएगा। ये 1000 रुपये का है, 999 रुपीज़ का ये मुझे आया है। और अब बात करें इसकी थोड़ी डिटेलिंग की, तो ये है इसका योक पार्ट, पैच वर्क दिया गया है, और अगर बात करें इसकी स्लीव्स की, तो 3/4 स्लीव्स हैं, और हल्का इसमें यहाँ ऐसे ये लेस दी गई है, फॉयल मिरर का काम किया गया है, और ये यहाँ पे अगर डिज़ाइन की बात करें तो नायरा कट में ये दिया गया है, और ओवरऑल कुर्ता ऐसा है। दामन में भी इसमें ऐसे लेस वर्क किया गया है। अब ये जो मैंने कैटलॉग में देख के मंगाया था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऐसे कपड़ा लग रहा था कि ये शायद जॉर्जेट का कपड़ा है, और वो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस थी, लेकिन इसके साथ मैं डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये सिर्फ फैब्रिक का ही नहीं, बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो योक डिज़ाइन में भी ना इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, मतलब ये योक डिज़ाइन बिल्कुल सीधा नहीं है, तिरछा है। अब बात करें इसकी पैंट की, तो ये है इसकी पैंट, सॉलिड कलर में इसकी पैंट है, और नीचे हल्का सा बस ये बॉर्डर दिया गया है। पैंट बहुत कंफर्टेबल है, फैब्रिक अगेन कुछ मिक्स फैब्रिक है, रेयन फैब्रिक मुझे ये लग रहा है। बेल्ट की बात करें तो बहुत साइड इसमें ऐसे इलास्टिक दी गई है। अगर दुपट्टे की बात करें तो बहुत ही हल्का दुपट्टा है, फैब्रिक शायद से शिफॉन में है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्का दुपट्टा है, और ये इसमें दोनों साइड ऐसा लेस दी गई है, लेस भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नहीं है, बहुत ही ऐसे आड़ी टेढ़ी सी इसकी लेस है। तो ओवरऑल सूट सेट मुझे पसंद नहीं आया है, मतलब मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, और ये मुझे बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये तो वापस जाएगा ही जाएगा।
तो आज बात करते हैं अब नेक्स्ट सूट सेट की। नेक्स्ट है ये बहुत ही प्यारे से ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की ड्रेस। ये भी 3-piece सेट है और मुझे ये बहुत सुंदर लगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आप कहेंगे मैं कहानियाँ ज़्यादा सुना रही हूँ। इसके पीछे की कहानी यह है कि ये मैंने मंगाया था येलो कलर में, मतलब ये मैंने सेम सूट सेट येलो कलर में मंगाया था। वो मुझे बहुत प्यारा भी लग रहा था। मैं कैटलॉग दोनों यहाँ पे लगा दूंगी, जो मैंने मंगाया था वो भी और जो मुझे रिसीव हुआ है वो भी। ये भी 999 का है। अगर बात करूँ इसकी डिटेल्स की तो ये केडी वुमेन्स करके कोई ब्रांड है, उससे मुझे रिसीव हुआ है। अगर इसमें साइज़ की बात करूँ तो मेरा साइज़ स्मॉल है, फैब्रिक जॉर्जेट है। बहुत प्यारा कुर्ता सेट ही रिसीव हुआ है। मतलब एक बार देख के तो मुझे लगा कि सूट सेट बड़ा प्यारा है, लेकिन मैंने ये ऑर्डर कब किया था? फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ और ऑर्डर किया था। ये डिज़ाइन फ्रंट का देख के मुझे लगा कि मैंने कुछ और ऑर्डर किया था और ये मुझे कुछ और रिसीव हुआ है, लेकिन जब मैंने इसे खोल के देखा, पहन के देखा, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा सीरियसली। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे येलो मैंने मंगाया था, मुझे वही मंगाना चाहिए, ये मुझे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये कुर्ती सेट लग कैसी रही है, क्या मैं इसे रखूँ कि मैं इसे वापस कर दूँ। तो अब ये सूट, मतलब पूरा सूट नहीं कह सकते, पर ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पहन के ये कंफर्टेबल बहुत है। आलिया और नायरा दोनों ही कट ये लग रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी स्लीव्स की बात करूँ तो 3/4 से थोड़ी सी बड़ी स्लीव्स है, फुल स्लीव्स नहीं है, लेकिन 3/4 से थोड़ी सी बड़ी हैं। राउंड नेक है बैक और फ्रंट में है वी नेक। मिरर वर्क, ये रियल मिरर वर्क इसमें किया गया है काम। और उसके बाद ये नीचे पूरा फ्रॉक स्टाइल में दिया गया है। तो ये तो बात हुई इसकी कुर्ते की। अब बात करते हैं इसकी बॉटम की। बॉटम बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का नहीं है, कंफर्टेबल है पहनने में, लेकिन अगर फैब्रिक की बात करें तो बहुत हल्के कपड़े में, शाटन का जो वो कपड़ा होता है ना, बहुत हल्के वाला वो कपड़ा है जो नीचे इनर में दे देते हैं। और अगर कुर्ते में इनर की बात करें ना, तो कुर्ते में इनर दिया गया है सेम फैब्रिक का इनर कुर्ते में भी दिया गया है, यही वाला फैब्रिक यूज़ किया गया है। और अगर दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा बहुत ज़्यादा छोटू सा है। मुझे दुपट्टे अच्छे, मुझे लंबे दुपट्टे, बड़े दुपट्टे पसंद हैं। ये दुपट्टा मुझे बहुत छोटा लगा, लेंथ वाइज बहुत छोटा है। चौड़ाई में ये ठीक था, लेकिन लंबाई में ये मुझे छोटा लगा। तो अब मुझे प्लीज़ 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 मुझे सजेशन दीजिए कि मैं इस कुर्ते को रखूं कि वापस कर दूं, क्योंकि कुर्ता मुझे पसंद आ रहा है, नो डाउट, और इनका मैं कह नहीं सकती। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अगर पसंद आ रहा है और आप आगे आने वाली वीडियोस में भी मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कुछ भी इसमें से ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।